कल्पना कीजिए कि आप किसी सुबह उठते हैं और आपके सामने आपका हमशक्ल खड़ा होता है। अब आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं करेंगे, पर आप ये जान लीजिए कि ये बात ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कही थी। स्टीफन हॉकिंग ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी भी दी, जिसे मल्टीवर्स या पैरेलल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है। हॉकिंग का मानना था कि जिस तरह हमारा यूनिवर्स है, ठीक उसी तरह हमारे आसपास भी कई ऐसे यूनिवर्स मौजूद है जो बिल्कुल हमारी तरह ही है। इनकी अपनी गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स और शायद अपनी सिविलाइजेशन भी है। हॉकिंग अपनी बात बिग बैंग थ्योरी से समझाई थी। इनके अनुसार जिस तरह हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग से बना था, ठीक उसी तरह हमारे यूनिवर्स के साथ कई दूसरे यूनिवर्स का निर्माण भी हुआ, और क्योंकि ये यूनिवर्स साथ में बने इसीलिए फिजिकली भी हमारे यूनिवर्स की तरह ही होंगे। जो वैज्ञानिक हॉकिंग की इस थ्योरी से अग्री करते हैं, उनका मानना है कि जिस तरह हमारे यूनिवर्स में धरती पर सिविलाइजेशन है, उसी तरह फिजिकली सेम होने के कारण हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी ऐसे प्लैनेट्स है जिन पर जीवन की मौजूदगी है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक साथ और एक ही तरीके से बनने के कारण इन्हें यूनिवर्स में जीवन की शुरुआत बिल्कुल धरती की तरह ही हुई होगी, और ठीक इसी तरह आगे भी बड़ा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वहाँ पर एवोल्यूशन भी इसी तरह हुआ हो, क्योंकि भले ही हमारे सभी पैरेलल यूनिवर्स हमारे साथ बना हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं हुई होगी जिन्होंने यहाँ पर जीवन को समाप्त कर दिया होगा। जैसे हो सकता है कि वहाँ पर एस्ट्रॉयड टकराया हो, जिससे वहाँ पर जीवन पूरी तरह समाप्त कर दिया होगा, या दूसरी संभावना ये भी हो सकती है ऐसे किसी ग्रह पर डायनासोर जैसे विशाल जीवों का अंत करने के लिए किसी तरह का कोई एस्ट्रॉयड नहीं टकराया होगा, और आज डायनासोर वहाँ पर एडवांस सिविलाइजेशन की तरह रहते होंगे। जिसका मतलब है कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में फिजिकल लॉस तो सेम है, लेकिन वहाँ पर छोटे छोटे चेंजेस के कारण परिस्थितियाँ बहुत ज्यादा अलग हो सकती है। पैरेलल यूनिवर्स को लेकर वैज्ञानिक आज तक सिर्फ यही एक थ्योरी नहीं दी है, बल्कि इसे समझने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग थ्योरीज दी। जैसे ह्यूज इवर्ट ने मल्टीवर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित एक एक्सप्लेनेशन दिया। इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हमारे आसपास घटने वाली हर एक घटना एक अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। आप इसे इस तरह समझिए कि मान लीजिए आप इस यूनिवर्स में हमारा वीडियो देख रहे हो, और आपके पैरेलल यूनिवर्स में भी आपका हमशक्ल हमारा ही वीडियो देख रहा है, लेकिन आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर देते हैं और आपके पैरेलल यूनिवर्स का आदमी इस वीडियो को बंद नहीं करता है। अब यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज क्रिएट होती है कि अब आपको इस वीडियो के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर आपके पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद आपके हमशक्ल ने ये वीडियो पूरा देखा है और उसे इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता है। और इस वीडियो की तरह और भी कई ऐसे काम है जिनके कारण इन दोनों प्लेनेट पर कई सारे डिफरेंसेस आ जाती है, मतलब बहुत छोटे छोटे चेंजेस इन दोनों ग्रह पर एक बहुत बड़ा डिफरेंसेस क्रिएट कर देता है। और इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि मल्टीवर्स में मौजूद सभी यूनिवर्स बिल्कुल हमारे यूनिवर्स की तरह ही हो। कुछ इसी तरह की बात नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर एंड्रे लिंड भी कहते हैं। लिंड कहते हैं कि हम भले ही फिजिक्स के लॉस कांस्टेंट मानकर हमारे आसपास मौजूद पैरेलल यूनिवर्स में जीवन की मौजूदगी को सही माने, लेकिन किसी भी प्लेनेट पर जीवन की शुरुआत के लिए सबसे जरूरी फंडामेंटल लॉज होते हैं। अगर हमारे ब्रह्मांड में इन फंडामेंटल लॉज में छोटा सा भी चेंजेस हो जाए, तो हम इंसानों का इस धरती से नामो निशान मिट जाएगा। उदाहरण के लिए अगर हम इस यूनिवर्स के सभी प्रोटॉन का साइज महज 0.002 गुना बड़ा कर दे, तो ये सभी अनस्टेबल हो जाएंगे, जिससे पूरे ब्रह्मांड में मौजूद सारे के सारे एटॉम्स एक एक करके खत्म हो जाएगा और हमारे ब्रह्मांड का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए किसी भी प्लेनेट पर जीवन के लिए इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का कांस्टेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर ये जरूरी नहीं है कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में ये सभी फंडामेंटल पार्टिकल्स एक ही साइज या सीक्वेंस के हैं। कई वैज्ञानिक इस बात को स्ट्रिंग थ्योरी से भी समझाते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल एटम नहीं बल्कि एटम्स में मौजूद स्ट्रिंग्स होती है। ये स्ट्रिंग्स एक गिटार की स्ट्रिंग की तरह ही होती है, जिनकी साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम एटम को यूनिवर्स जितना बड़ा कर दे, तो ये स्ट्रिंग्स उसमें महज एक छोटे से पेड़ के बराबर होगी। लेकिन ये छोटी सी स्ट्रिंग फिजिक्स के फंडामेंटल्स में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। ये स्ट्रिंग्स अलग अलग तरह की कॉम्बिनेशंस बनाकर यूनिवर्स को बनाती है, और वैज्ञानिकों के मुताबिक ये स्ट्रिंग 10^1000 कॉम्बिनेशंस बना सकती है।
ये कॉम्बिनेशन कितना ज्यादा है इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारे पूरे यूनिवर्स में मौजूद सभी एटम्स की संख्या भी महज 10^80 ही है। ये स्ट्रिंग्स ही यूनिवर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड और सिंपल मैग्नेटिक फील्ड्स को बनाती है, और इनके इतने ज्यादा कॉम्बिनेशंस के कारण हर यूनिवर्स में ये फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है। हमारी धरती पर भी लाइफ सिर्फ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इन सारी स्ट्रिंग्स ने मिलकर हमारे यूनिवर्स में एक बहुत ही रेयर और रैंडम कॉम्बिनेशन बनाया है जिसने इंसानों के रहने के लिए इन सभी प्रॉपर्टीज को जन्म दिया। स्ट्रिंग थ्योरी के कारण हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पैरेलल यूनिवर्स में भी जीवन मौजूद है, पर हम इसे नकार भी नहीं सकते। जो वैज्ञानिक स्ट्रिंग थ्योरीज का विरोध करते हैं वो एंटीमैटर की थ्योरी से अपनी बात सही साबित करने की कोशिश करते हैं। एंटीमैटर मैटर का बिल्कुल उल्टा होता है। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो मैटर का बना है, लेकिन कॉस्मोलॉजी के हिसाब से मल्टीवर्स में जितने मैटर्स है उतने ही एंटीमैटर्स है। इसीलिए भले ही हमें पता ना हो, लेकिन हमारा यूनिवर्स का एक माइनर यूनिवर्स भी एंटीमैटर में एग्जिस्ट करता है। एंटी मैटर में मौजूद हर चीज मैटर की बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जैसे हमारी धरती पर घड़ी राइट से लेफ्ट डायरेक्शन की ओर घूमती है, वैसे ही एंटी मैटर में ये बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन से घूमेगी। ये मिरर यूनिवर्स बिल्कुल हूबहू हमारी यूनिवर्स की तरह ही है, लेकिन ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। यहाँ पर इस बात की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि मिरर यूनिवर्स में ठीक उसी तरह के एक्टिविटीज होती है जिस तरह की हमारी धरती पर होती है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होती। पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स हमेशा से एक ऐसा विवादित मुद्दा रहा है जिसे वैज्ञानिक आज तक नहीं सुलझा पाए हैं। अगर बात हिस्ट्री की जाए तो एंशियंट इंडिया में भी कई ऐसे कलाकृति बनी है जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो ये किसी और यूनिवर्स के बारे में बता रहा हो। ठीक इसी तरह की कुछ कलाकृतियाँ ग्रीक में भी बनी हुई है जो हमारे सामने पैरेलल यूनिवर्स के रहस्यमय सवाल खड़ा करते हैं। पर इन सब के बावजूद हम ना तो ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास इसी तरह की यूनिवर्स मौजूद है, और ना ही हम इस बात को नकार सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स ही एकमात्र यूनिवर्स है। तो मल्टीवर्स के बारे में आपकी क्या राय है? क्या ये मल्टीवर्स और आपका हमशक्ल सच में किसी और दुनिया में एग्जिस्ट करता है, या फिर ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।